श्रीकृष्णकनैयालालकीय श्रीनियनन्दस्वामी की श्रीप्राणनाथ श्री प्यारे की तो क्यों बका को सिफत इन युवाए श्री कृष्ण का लाल की परम धाम और दुनिया की थोड़ी सी तुलना की जा रही है परम धाम के सामने परमधाम का एक कण भी अस्तित्व रखता है इसलिए उसके सामने दुनिया कितनी भी बड़ी दिखती हो ये मात्र कल्पना की है इससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं अरस जीवी सब वाहिदत्त परम धाम की भूमि है सब अद्वैत स्वरूप में है दूजा रहे न इन नजर परमधाम की दृष्टि में परमधाम के सामने दूसरी कोई वस्तु तो है ही नहीं इसलिए वो तो मात्र कल्पना है यथार्थ में तो कुछ भी नहीं है ज्यों रात हो ये काली अंधेरी त्यों मिटाए देवे फजर तो जैसे कितनी काली रात हो क्यों न हो जैसे ही सूर्योदय होता है तो तो रात कहाँ से कहाँ मिट जाती है पता ही नहीं चलता तो इस प्रकार परमधाम के एक कण के समक्ष भी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रहता तो ये समझाना चाह रहे हैं अब दूसरे चौपाई में कहते हैं हाय है हमेशा एक वाय दत्त एक बिना जरा न और परमधाम तो सदैव अद्वैत भूमिका है एक बिना जरा न और तो उसके अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं इसलिए अंधेरा निमुना ना लगता अंधेरा का उदाहरण भी दिया नहीं जा सकता क्योंकि अंधेरा भी दिख रहा है तो ये दुनिया परमधाम के समक्ष दुनिया तो कुछ दिखने वाली ही नहीं है तो अंधेरा भी दिखता दिखता है फिर प्रकाश होता है तो अंधेरा मिटते हुए भी पता चलता है किंतु दुनिया परमधाम के समक्ष कुछ भी नहीं है एकमात्र एक, एक कल्पना है ये कहना चाहते हैं अंधेरा राखता है ठावरा कहने का तात्पर्य अंधेरा तो कहीं दिख तो रहा है उसका तो कोई ठिकाना लग दिख रहा है वास्तव में दुनिया कुछ दिखता ही दिखती ही नहीं है इसके लिए दूसरा उदाहरण देते हैं ए चौदे का कछुए नहीं वेदों कया आकाश फूल तो ये चौदह लोक ऐसे ब्रह्मांड यथार्थ में कुछ भी नहीं है इनको वेदों ने आकाश का फूल कह दिया तो आकाश का फूल क्या है तब तो आकाश विशाल है उसमें कुछ भी कल्पना कर लो तो वही देखने लग जाएगा यथार्थ में उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता तो इस प्रकार से इसको आकाश की फूल की भांति कह दिया कहने के लिए फूल है वास्तव में फूल नहीं है तो ऐसे ही कहने के लिए दुनिया है वास्तव में कुछ नहीं है ये कहना चाह रहे हैं झूठा दिखाई देता है या को अंकुर ना मूल ये झूठा मात्र दिखने के लिए दिखाई देता है तो इसका तो, तो अंकुर है और ना ही मूल है इसका जड़ मूल कुछ भी नहीं है इत तक कबो ना जाहिर झूठे हक को जाने क्यों कर तो इसलिए इस नश्वर जगत में अद्वैत भूमिका के विषय में कभी भी कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है क्योंकि झूठे हक को जाने क्यों करे झूठे नश्वर जगत के जीव हैं वो पूर्ण ब्रह्म को कैसे जानते जान सकते इसलिए जब ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ है तभी पूर्ण ब्रह्म की बात स्पष्ट रूप से समझाइए बाकी तो हम पूर्ण ब्रह्म है इतना ही कहा गया था ये कहना चाह रहे हैं शुद्ध वायु तत्व क्यों ले सके जो उड़े देखे नज़र दृष्टि पड़ते ही परमधाम की दृष्टि में जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो उड़ जाते हों तो ऐसे नश्वर जगत के लोग तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? इसलिए ये बातें पहले नहीं कही गई ब्रह्मात्माओं के अवतरण पर स्पष्टता कर दी गई है और पहले जो कुछ बातें बताई है वो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए है कि उसकी साक्षी देने के लिए ऐसा समझना चाहिए असल बात वाय दत्त के अरस अरवाह जाने मोमिन तो परमधाम की अद्वैत अद्वैत स्वरूप की असली बातें तो परमधाम की आत्माएं ही जान सकती है इत हक शुद्ध मोमिनो जाके असल और में तन तो इस जगत में भी नश्वर जगत में भी इस कल्पना में भी ब्रह्मात्मा भी कल्पना के रूप में आई है फिर भी तो इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ है या तो जिनका असली परम धाम में वही आत्मा कर सकती है वो समझ उनको ही प्राप्त हो सकती और एक मतारोहण का देखो अर्सवायु दत्त दूसरी बात ब्रह्मत्माओं की और विशेषता मता का मतलब सामग्री किंतु अभी यहाँ दूसरी विशेषता एक तो ये विशेषता बता दी तो ब्रह्मात्मा ही पूर्ण ब्रह्म को समझ सकती है दूसरी आत्माएं नहीं समझ सकती तो दूसरी विशेषता क्या है तो वो बता रहे हैं देखो अरस दत्त ये जो अद्वैत भूमिका परमधाम है ये भी ये ब्रह्मात्माओं के ही अद्वैत स्वरूप में है तो ब्रह्मात्माओं से परम धाम है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी उनसे श्यामा जी श्यामा जी से ब्रह्मात्माएं और ब्रह्मात्माओं से परम धाम इसलिए ब्रह्मात्माओं से ही ये परमधाम है तो उनके ब्रह्मात्माओं के अंदर परम धाम है ये कहना चाह रहे हैं ये दूसरी विशेषता है ब्रह्मत्माओं की लीजो मोमिन दिल में ए हक अरस न्यायामत ये परम धाम की संपदा इसलिए ब्रह्मात्माओं तुम ही अपने हृदय में धारण कर लो तो ब्रह्मत्मा ही धारण कर सकती है इसलिए तुम कर लो नई न एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार तो जब अक्षरातीत के दर्शन करती है ब्रह्मात्माए तो एक आँख मानो और इंद्रिया तो अपना अपना अलग अलग काम कर रही है तो आँख दर्शन करती है तो भी तो वो सुख लेती है अक्षरातीत के दर्शन का तीन सुख से सुख पहुँचाई दिल रूहों बारह हजार एक ब्रह्मा आत्मा ने दर्शन किए तो उसको जो सुख मिलता है सारी आत्माओं में वो सुख पहुँच जाता है क्योंकि वो एक ही अंग है अलग अलग नहीं है इसलिए जैसे जीव ने स्वाद लिया तो पूरे शरीर में रोम रोम को वो स्वाद का पता चलता है तो ऐसे रोम रोम में लगाने पर वो स्वाद नहीं मिलेगा किंतु जीव को जीव जब आस्वादन करती है तो तो वो स्वाद सबको पहुंच जाता है तो इसी प्रकार से तो ये कहना चाह रहे हैं तो एक आत्मा भी राज्य के दर्शन करती है तो सब को उसके दर्शन का लाभ मिलता है एक रूह बात करे कसों सुख ले वे रस रसनाए एक ब्रह्म आत्मा अक्षराती धामदनी से बात करती है रसना का सुख प्राप्त ले कर रही है तो सुख रूहा आवत दिल बारे हजारे के माहे तो वो जो सुख ले रही है वो सब सब ब्रह्म आत्माओं को स्वतः प्राप्त होता है तो ये सब परमधाम में संभव है तो दुनिया में ऐसा नहीं दिखता है इसलिए ये बात समझने में भी थोड़ी सी अटपटी जैसी लगती है हक बोला बे रूह एक को सुख पावे अतंत तो एक ब्रह्मात्मा को राज्य ने बुलाया तो तो वो सुख सारे ब्रह्मात्माओं को लगता है कि राज्य मुझे ही बुला रहे हैं सो बात सुना रूहक कके सब रूहे सुख पावत तो अक्षरात धाम धनी की बात सुन करके सारे ब्रह्मात्माओं को वही सुख प्राप्त होता है जो सुख जिस ब्रह्मात्माओं को बुला रहे हैं उसको प्राप्त हो रहा है रू सुख हर एक बात का हक लेवत तो ब्रह्मात्माएं परम धाम में एक एक बात का सुख प्राप्त करती अक्षराते अक्षराधी से सो सुख सुन सबे दिल अपने देवत तो वो सुख सुन करके तो जो जो सुख उनको मिलता है तो तो ब्रह्मत्माएं अपना दिल भी इसी प्रकार से राज्य को दे ही देती हैं तो वो उसी में मस्त रहती है दिल देती है कहने का तात्पर्य तो हक का रस अपना मोमिनों का जो दिल है, इसलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम कहा है तो सब लिया बाय दत्त में जो ये सुख ले तहेल मिल तो इसीलिए इन सब ब्रह्मात्माओं को अक्षराती धाम धनी ने अपने ही आदेश स्वरूप में लिया है कि ये सब ना इस प्रकार से ये सुख हिलमिल करके लेती है तो एक को मिलता है तो सबको प्राप्त होता है ये जो एकात्म भाव अद्वैत भाव है तो ये परम धाम में है इन विध सुख के कहो अरस अरवा मोमिन ऐसे परमधाम की आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता है ऐसे कितने सुखों की बात करें तो आए वाय दत्त में जो हक कदम तले इन तन तो अब इनको कितना सुख प्राप्त होता है क्या कहें इसलिए अक्षराते धाम धनी को परमधाम से अलग इनको आ, अलग प्रकार का दृश्य दिखाना था फिर भी उन सबको तो अपने चरण तल में बैठा करके उनको ये सारा सुख दिलाया ये सब अनुभव करवाया चरणों में बैठा करके तो राज्य के चरणों में ही ये सब ब्रह्मात्मा हैं इसलिए तो ये सब राज्य के ही अद्वैत भाव के अंतर्गत हैं उनसे अलग है ही नहीं हकें अरश कया दिलम वो और भेज दिया इलम तो अक्षराते धामधनी ने परमात्माओं के हृदय को परम धाम कहा और उनको जागृत करने के लिए फिर ब्रह्म ज्ञान भी भेज दिया क्यों आवे अरश दिल झूठ में इता है हक का हु तो परम धाम की आत्माएं नश्वर जगत में तो नहीं आ सकती किंतु धाम धामधनी का आदेश है इसलिए तो केवल उनको थोड़ी देर के लिए ये आभास होता है ताथे वर्णन इन दिल अरस का होए इसलिए इस दिल से भी धाम धनी का वर्णन संभव हो रहा है अन्यथा परम धाम का वर्णन धाम धनी का वर्णन ये संभव नहीं है हक के इस इश्क से जल जाए और जरा न रह अक्षराते धाम धनी के प्रेम में तो तो बाक़ी सब चीज़ें मिट जाते हैं तो ब्रह्मात्माओं को जब अक्षराधित आमदनी का प्रेम प्राप्त होता है तो उस समय उनको दुनिया का कुछ भी दिखाई नहीं देता है दुनिया के सारे सुख हैं अथवा दुनिया के जो भी वस्तुएँ देखने में दिखाई देगी तो यथार्थ में उनके अंदर घुसती नहीं है जैसे हम लोग साधारण रूप से तो हमें दुनिया की वस्तुएं अंदर तक घुसी हुई होती है तो बाहर से हम बोलने में बोल भी देंगे तो फिर भी अंदर से तो उसी की चाहना करते रहेंगे जैसे इन बच्चों को ये समझ में नहीं है ये खाना होता है ये नहीं खाना होता है तो इनको जो दूसरे खा रहे हैं करते हैं तो हम बोलेंगे तो ये भी बोलेंगे कि हाँ ये ख़राब चीज़ है लेकिन मौका मिलेगा तो जा कर के करने लग जाएंगे तो इस तरह से ये समझ नहीं है परमधाम की आत्माओं के को ये समझ होगी ये कहना चाह रहे हैं उनको वो अंदर से ये चीज अंदर घर नहीं करेगी तो जो भी है वो सब बाहर बाहर ही रहेगी अंदर तक वो घर करके नहीं बैठेगी इन दिल को आरस तो कया जो खोल दिए बक्का द्वारा तो इन दिल को परमधाम तभी कहा है क्योंकि इनके द्वारा ही दुनिया में परम धाम के द्वार खोलकर बता दिया गया है ताथे फेर-फेर वर्ण वो हक वाय दत्त का श्रृंगार इसलिए मुझे बार बार वर्णन करने का मन होता है अक्षराते धाम देने के श्रृंगार का उनके स्वरूप का उनके श्रृंगार का वर्णन करने का बार बार मन होता है इसका कारण ये है किशोर सूरत हादि हक की सुंदर शोभा पूरन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य और श्यामा जी के श्यामा जी का स्वरूप है किशोर स्वरूप है सुंदर शोभा पूर्ण है सुंदर शोभा से परिपूर्ण है मुख कमल कहूँ मुकुट की कमल और मुकुट पीछे सवा अंग वस्त्र भूषण तो पहले अब उनके मुख कमल का वर्णन करते हैं फिर मुकुट का वर्णन करते हैं फिर सब अंग वस्त्र आभूषण उनके आ, सभी अंगों में वस्त्र और आभूषण पहने हुए जो जिस प्रकार से है उनका वर्णन फिर करेंगे नख सिकलो वर्णन करो याद करा अपना तन तो अपना तन परम धाम में है और वो अक्षरातीत के सम्मुख बैठा है ये स्मरण करके तो अक्षरातीत धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करते हैं नख शिख नख से लेकर के शिखा पर्यंत खोल नैना खिलवत में बैठ तले चरण तो राज्य के चरण में बैठे हैं ऐसा अनुभव करके और वहीं बैठ करके आंखें खोल करके देख रहे हैं इस प्रकार से देख करके वर्णन कर रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं जैसा कहता हूँ हकको ही हादे जाना जैसे अक्षराते धाम धनी के स्वरूप का वर्णन करेंगे उसी प्रकार से श्री श्यामा जी का स्वरूप भी अद्वैत स्वरूप है अखंड स्वरूप है ऐसा ही समझ लेना चाहिए आशिक मासिक दो एक है आशिक और मासिक दोनों एक ही हैं एक करदाई मसीह पहचान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज वो हम सब के मसीहा है मसी का मसीह का तात्पर्य मसीहा तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं हमारे सब कुछ हैं तो उन्होंने ये पहचान करवाई है युगल किशोर तो कहे जो आशिक मासुक है एक अंग आशिक और मासुक दोनों एक ही अंग है प्रिया और प्रियतम वो एक ही है इसलिए युगल स्वरूप कहा युगल किशोर ऐसा कहा है हक में कई रूप बदले याई ही विदहादि रंग जैसे अक्षराते धामधनी क्षण क्षण में अपने श्रृंगार में नवीनता दिखाते हैं उसी प्रकार श्री श्यामा जी भी क्षण क्षण में अपने श्रृंगार में नवीनता दिखाती है हमारे फुरमान में हाके, केते लिखे कलाम हमारे लिए भेजे गए जो भी संदेश है तो वो सब फुरमान है तो उन संदेश में उन इन इन ग्रंथ धर्म ग्रंथों में ऐसे कई प्रकार की बातें बताई है माशुक मेरा मोहम्मद आशिक मेरा नाम तो श्री श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रिय जिसकी प्रशंसा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करते हैं उनके लिए अरबी में मोहम्मद शब्द का प्रयोग किया है कि परमात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसी आत्मा तो उसको प्रियतमा आत्माओं को अक्षरात धाम धनी ने उनको मासुक कहा और आशिक मेरा नाम तो स्वयं को आशिक कहा कि मैं इस नश्वर जगत का खेल दिखाते हुए तो मैं जागृत करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास में आऊँगा इस प्रकार से वचन दिया और तो ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए वो स्वयं आए हैं इस प्रकार की बातें धर्म ग्रंथों में विभिन्न स्थानों में लिखी गई है ये ये सारे साक्षी ग्रंथ हैं इन साक्षी ग्रंथों को हम समझेंगे उसी प्रकार से समझना चाहिए साक्षी ग्रंथ है और जो मूल बातें हैं वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट होकर के समझाया है तो ये वाणी इसको मूल रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सीधा सीधा संदेश ऐसा माना है तो अभी यही रखते हैं श्री कृष्ण लाल की जय आशिक मेरा नाम हमारे, हमारे फुरमान में हके के लिखे कलामा हके के माशु मेरा मोहम्मद आशिक मेरा नाम आशिक मेरा नाम।